Hello everyone, welcome to my channel Travel with Amy and welcome to Costa Maya. तो आज हम लोग जो है मैक्सिको में हैं और यहाँ पे हमारे साथ साथ आज चार शिप हैं. ओके, तो ये आप देख सकते हो हमारी शिप है एंड देन कार्निवल ब्रीज और उसके बाद सिनेरिया है एंड रॉयल करेबियन का एक शिप है. ओके, तो ऑलमोस्ट मोर देन 15,000 पीपल जो है आज ये आइलैंड पे आए हैं. ओके, तो आज जो है मैं जाने वाला हूँ एटीवी एडवेंचर एंड बीच पे. तो हम लोग जो है एटीवी जो आज ड्राइव करने वाले हैं जंगल में. ओके, थोड़ा फन है, अच्छा है. ओके, और यहाँ का भी बीच देखते हैं कैसा है. बट आप देख सकते हो पीछे जो पोर्ट एरिया है ये भी बहुत 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 अच्छा है. यहाँ पे आपको डॉल्फिन शो देखने मिलेगा, फ्लेमिंगो देखने मिलेगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफेज और शॉपिंग प्लेस है. और पता है ना, मतलब टूरिस्ट प्लेस है तो फिर शॉपिंग और कैफेज बार रेस्टोरेंट्स तो होते ही है. ओके, तो हम लोग अभी जा रहे हैं और फिर हम लोग का हाफ डे का टूर है, 3 आवर्स बीच पे, 2 आवर्स बीच पे और फिर एटीवी एडवेंचर. ओके, तो चलते हैं और देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है आज के टूर पे. ओके गाइस, लेट्स गो. और ये हमारा जो है ये पोर्ट एरिया है यार, चार शिप जो कि मैंने बताया, ये पोर्ट एरिया है कॉस्टा माया का. यहाँ से एंट्री होती है अगर आपको सिटी में जाना है या कहीं पर भी जाना है. तो इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है लोग ने. यहाँ पे जो है ये आप इंडिपेंडेंट गेस्ट के लिए टूर वगैरह बुक कर सकते हैं. शी इज़ माई कलीग हेलेन. और फिर अभी हम आगे देखते हैं और क्या क्या है आगे. और यहाँ से जो है राइट हैंड साइड से टूर सब टूर जाता है जो भी पहले से प्री बुक किया हुआ रहेगा. ओके, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है आदिवासी लोग है, बस फाइन. और ये टर्मिनल में ये सर्फिंग भी जो है अवेलेबल है, मतलब फन है, एक्टिविटी है. यहाँ पे बच्चे बड़े सब लोग कर सकते हैं, विच इज़ नाइस. और इसके आगे इसके बाजू बाजू में मतलब पूरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, स्विमिंग पूल है, फिर यहाँ पे कैफेज एंड ऑल है. और अभी हम लोग अपने टूर पे निकल चुके हैं और ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स ओनली 20 मिनट्स ड्राइव. और जैसे ही हम लोग टर्मिनल से बाहर निकले हैं ऐसा लग रहा है बस जंगल से निकले हैं. ओके, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं. तो अभी थोड़ा आगे तक जाके देखते हैं, 20 मिनट्स ही है, ज़्यादा नहीं है. ओके, सो नाउ वी आर रेडी फॉर आर न्यू एडवेंचर, एटीवी एडवेंचर. और फिर हम लोग जंगल में जाने वाले हैं, देखते हैं कैसा मज़ा आता है. ओके, ये हमारा जो है ये गाइड है, एस्कॉर्ट है, ये हमें अभी बताएंगे ब्रीफिंग. ओके, कैसे क्या करना है. बाकी यहाँ का वेन्यू भी है ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब नॉट ठीक ठाक बट अच्छा है. ओके, सेकंड वन स्टॉप, यू नो व्हाट दिस मीन, आई एम ओके इफ यू सी मी और सी माय पेरेंट्स डूइंग दिस, इट्स बिकॉज वी आर आस्किंग यू इफ यू आर ओके. इफ यू आर ओके जस्ट लाइक दिस. ओके, लेट मी चेक, इज एवरीबॉडी ओके, वेरी गुड गाइस. The last one and the most important. You know what this means? In trouble. But here in Mexico means bye bye. Now guys, it's international sign for help. If you have some problems with your ATV, let us know and my partners and me, we're gonna see you. Remember guys, the most important for us is your safety. Okay? I'm gonna be in the front. Please follow me all the sign. If I go right, you go right. Okay, if I go left, you go left. If I crash. Now we are ready और हम लोग अभी राइड के लिए तैयार हैं और देखते हैं आज जंगल में कितना मज़ा आता है एटीवी एडवेंचर करने के लिए. ओके, तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है. अभी हम लोग रुके जस्ट फॉर अ फोटो स्टॉप. बहुत अच्छा राइड था बट एक्चुअली जो है फ़ोटो और वीडियो लेने नहीं दिया वाइल्ड ड्राइविंग,
बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीज़न, इसकी वजह से, तो इस वजह से मैं ड्राइव ले नहीं पाया, फ़ोटोज़ ले नहीं पाया, वीडियोस, बट इट इज़ अ नाइस ट्रिप। और अभी हम लोग तो फ़ोटो स्टॉप के लिए रुके हैं, बट अभी आगे जाके देखते हैं और हमें कहाँ कहाँ ड्राइव करने मिलता है। ओके, सो ये जो जंगल है, इट्स लाइक अ जंगल एडवेंचर था जो ड्राइव किया, बहुत पानी भी था यार, दिमाग ख़राब हो गया। ओके, तो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। और मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मेरे शूज़ के साथ ऐसा होगा, बट बहुत ज़्यादा। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टॉप। सो नाउ वी आर बैक, और बहुत मज़ा आया, बहुत एडवेंचरस था, मज़ा आया ऑफ रोड के लिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्टॉप विच इज़ बीच। ओके, सो ये जो है ये 5 मिनट्स का ड्राइव था, तो हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए बीच के। अभी हम जो है अंदर जाके देखते हैं बीच कैसा है और कितने शॉप्स है, क्या क्या कैफेज, बार, रेस्टोरेंट है। आप कहीं पर भी जाओगे, टूरिस्ट प्लेस पे, आपको ये सब तो दिखेगा ही, शॉप्स, नॉल, हर चीज़ का शॉप मिलेगा, हर कोई शॉप खोल के बैठा है, ठीक है। आई नो, बिकॉज सबको क्या है, अभी टूरिस्ट घूमने आते हैं तो बट ऑब्वियसली शॉपिंग तो करेंगे ही, और बीच पे है तो ये सब तो मिलेगा ही आपको। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। और वाओ, सो लुकिंग नाइस, मतलब बीच, तो ये देखिए मसाज, मतलब ये तो ओपन मसाज है, बड़ी कैसा है, बीच पे ओपन मसाज भी है, वाओ नाइस। और अलग अलग टाइप के शॉप्स हैं, और लुक एट दिस स्मॉल मंकी, अब इसको मंकी बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये देखिए मंकी, छोटा सा मंकी है। और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग स्टाइल में जो है शॉप्स ओपन है, ऐसा लगता है झोपड़ा है, बट दैट इज़ द स्टाइल, यहाँ पे सभी ऐसा ही है, शॉप्स, घर एंड ऑल सब ऐसा ही है। और एक और मसाज काउंटर एक्चुअली, फिर अभी हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। स्विमिंग पूल भी है, जो कि कोई है नहीं यहाँ पे, बिकॉज अगर आपको सामने बीच मिलेगा तो कौन स्विमिंग पूल में नहाएगा। सामने थोड़ी देर में हम लोग जाते हैं, फिर बीच पे भी देखते हैं कैसा है बीच, बट इट लुकिंग नाइस। यहाँ पे भी है सब ठेले वाले, यू नो, मतलब स्ट्रीट फूड तो यार आपको कहीं पे मिलेगा, ये हमारा बार है तो यहाँ से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ओके, कोई भी ड्रिंक वगैरह एंड ऑल, अल्कोहल या नॉन अल्कोहलिक कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, विच इज़ इंक्लूडेड इन आवर टूर। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह है, खाने का है सब, ये अपना जो गोवा की गलियाँ है ना वैसे ही लग रहा है, बट गोवा की गलियाँ इज़ लाइक वेरी नैरो, बट दिस वन इज़ क्लीन एज वेल। तो आगे ज़्यादा कुछ है नहीं शॉप्स वगैरह, बट ओनली जो है ट्रीज वगैरह है जो भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बीच, बट इट्स स्टिल नाइस। तो हम लोग अभी बीच पे जाते हैं, और यहाँ पे तो वैसे भी कोई है नहीं, इट इज़ लुक्स लाइक इट्स एम्प्टी। और ये मैं भूल गया आपको बताना कि हमारा पार्टी बस है, लुक एट दिस, कितना मस्त बस है, और फुल डिस्को इसके ऊपर। सो नाउ अभी हम लोग जाते हैं बीच पर और देखते हैं कैसा है बीच, लुक एट दिस, इट्स नॉट टू क्राउडेड, अभी थोड़ा खाली है, और लोग यहाँ पे कायाक भी कर रहे हैं। ओके, और भी सारे ग्रुप्स हैं, स्नॉकलिंग्स एंड ऑल, बट ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, इट्स गुड। यहाँ पे लोग सनबेडिंग कर रहे हैं, पानी में भी जा रहे हैं, और ऑब्वियसली ये थोड़ा अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मतलब अर्ली मॉर्निंग बोले तो 11:30 बज रहे हैं अभी, ठीक है, इतना क्राउड नहीं है बिकॉज लोग यहाँ पे आए नहीं है ज़्यादा, बट आएंगे मे बी इन द आफ्टरनून। थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं, अभी भी ये लोग काया कर ही रहे हैं, इट्स लाइक नाइस। बट यहाँ पे कैसे है, क्रूज शिप से जो है मतलब पेरेंट्स, बच्चे सब लोग आते हैं, और आना भी चाहिए, इतना अच्छा वेदर है, समर वेकेशन चल रहा है सभी का,
तो आएंगे. लुक एट दिस, सच अ नाइस एंड ब्यूटीफुल डे. व्हाट अ लवली डे. सीरियसली ये बच्चे लोग जा रहे हैं स्नॉकलिंग करने के लिए. दे ऑल आर रेडी. मतलब ये लोग जो है स्नॉकलिंग करने जा रहे हैं ग्रुप में, और मे बी ये लोग बहुत डेप्थ में जाने वाले. बस स्नॉकलिंग करना तो डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मे बी थोड़ा आगे, बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे. पर लाइफ जैकेट है. सो ये सब प्रिपरेशन कर रहे हैं ये लोग स्नॉकलिंग के लिए. अभी तो कुछ ज़्यादा ही लोग हो गए, ज़्यादा ही आ गए हैं. सो अभी हम लोग जो है 2 hours यहाँ पे वेट करने वाले हैं, वेट नहीं बट एंजॉय करने वाले हैं बीच पे. ओके, 2 hours का टाइम हमें मिला है और उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने शिप पे जाएंगे. ओके, बट कॉस्टम आया अभी ये प्लेस बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा है, बिकॉज अभी कैसा है एक अमेरिकन शिप्स भी आए हैं दो, और उसके बाद ये प्लेस बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे 2 hours एंड देन उसके बाद हम लोग शिप पे जाएंगे. ओके, सो अभी बीच तो एंजॉय कर लिया है, अभी वापस मैं आई एम गोइंग बैक टू माई शिप. ठीक है, अभी टाइम हो गया है जाने का. बाकी तो गेस्ट लोग तो और एंजॉय कर ही रहे हैं, बट इट वॉज़ अ नाइस बीच. एटमोसफियर अच्छा था, एनवायरमेंट अच्छा था, वेदर भी अच्छा था आज. इट्स नॉट टू हॉट, मतलब वो 30-35 डिग्री तो नहीं था, बट इट वॉज़ अ गुड टूर फॉर टुडे. ओके, तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कॉजुमेल, और कॉजुमेल में फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाने मिलता है, विच इज़ ऑल्सो मैक्सिको. कॉजुमेल भी जो मैक्सिको का ही पोर्ट है. ओके गाइस, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, एंजॉय.